अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम MTH 101 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर भी आ चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हमर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक राजा मुश्ताक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देता हूँ कि हर नए आने वाली वीडियो को लाख़ीर आपको ऑन टाइम मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि व्हाट इज़ कैलकुलस। तो ये तो आपको बेसिक कोर्स स्टार्ट करने से पहले या आपको फर्स्ट पेज के ऊपर दिया जाता है कि कैलकुलस क्या होती है। इसके एग्जांपल देख लेनी है कि इसके अंदर होता है कि आप जानते हैं कि जिस तरह हमारा डिस्टेंस चेंज होता है टाइम के साथ, किस तरह हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, किस तरह हमारे साथ विद रिस्पेक्ट टू स्पीड जो है कि टाइम के साथ चेंज हो रही है, और इसी तरह हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ जो है कि पानी का जो बहाव है वो किस तरह चेंज हो रहा है, ये हमारे पास क्या होती है कैलकुलस कहलाती है। इन तीन चार चीज़ें जो एग्जांपल दिए गए हैं रियल लाइफ के अबाउट, तो ये भी आपने डेफिनेशन देख लेनी है। बाज़ का ये कि एग्ज़ाम के अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं कि कैलकुलस क्या होता है, उसके एग्जांपल दे लें। आप उन्हें कुछ अपनी तरफ ही दे सकते हैं, अदरवाइज आपने जो है कि एज इट इज़ यहाँ से याद करें। आप मेरे पास सेकेंड एमसीक्यूज़ है कि द सिंपलेस्ट नंबर आर द, सबसे छोटा जो नंबर होता है वो हमारे पास इसमें होता है नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको जो रियल नंबर हो गया आर नंबर, कम्प्लेक्स नंबर भी आपको याद करने चाहिए। आप से पूछ भी सकते हैं, सेट में भी ज़्यादातर इस्तेमाल हो सकते हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं एमसीक्यूज़ में। तो नेचुरल नंबर होते हैं जो हमारे पास, ये सिंपलेस्ट जो कि सबसे छोटा नंबर होता है। अब हमारे पास है कि यहाँ पे कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है उनको हम नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, तो ये भी आपने देख लेना है। इसकी बिना पर हमारे पास जो एंसेस्टर थे वो हमारे पास फर्स्टली जो है कि चीज़ों को काउंट करते थे, फिर वो उस उन चीज़ों को क्या करते थे हम तक नेचुरली जो कि अबाउट बताते थे हमको, तो इसको हम कहते हैं। अब हमारे पास आके द नेचुरल नंबर फ्राम अ सबसेट ऑफ ए लार्जर क्लास ऑफ नंबर कॉल, मतलब नेचुरल नंबर जो है सबसेट, सबसेट मतलब होता है कि ऐसे सबसेट, अगर ए सबसेट है, ए सेट है तो बी के अगर उस अगर लेट्स एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं यू से। आप उससे जो हम ड्राइव करते हैं ए सेट बी सेट, क्या होगा ए जो सेट है वो किसका होगा, वो सबसेट क्या होगा, ऊपर जो एक बार बड़ा सेट होगा उससे आगे हमने छोटे छोटे जो है कि सेट बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक ए है और एक बी है, हम कह सकते हैं कि जो बी जो सब जो बी है वो सबसेट किसका है, वो एक है। मीन के बी के जो एलिमेंट है वो अगर एक के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन के जो बी है वो सबसेट किसका एक है। अब हमारे पास आके द कलेक्शन ऑफ थिंग्स विद रेफरेंस ऑफ नंबर इज कॉल, ऐसे सेट का आपको पता है कि जिस तरह हमारे पास घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं कि चाय का सेट, मीन के उसके अंदर चाय का सेट हो सकता है, उसके अंदर हमारे पास एक सेट के अंदर जो सिक्स कप होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरह ग्लास का सबसे सेट हो गया, बहुत सारी जो थिंग्स होती हैं जो हमारे रियल लाइफ में इस्तेमाल हो रही होती है उन चीज़ों का क्या होता है सेट होता है, वो हमारे पास क्या कहता है दी कलेक्शन ऑफ थिंग विद रेफरेंस ऑफ नंबर, मीनिंग किसी चीज़ का कलेक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या कराता है सेट कराता है। वही मैंने बता दिया था, अभी एग्जाम्पल दिए ए इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए अगर हमारे पास जो है कि सबसेट है बी का, इट्स मीन के बी के जो एलिमेंट है वो अगर ए हमारे पास ए जो कि सबसेट किसका बी का है, ए की जो एलिमेंट है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं बी के अंदर, इट्स मीन के ए सबसेट ऑफ बी का है। अब हमारे पास है कि हु हैव टू सेट्स, ए हमारे पास 1 to 5 है, बी 2 to 3 है, विच इज़ करेक्ट ऑफ ये बिलोंग टू दिस टू सेट। अब हमारे पास क्या होगा कि बी इज सबसेट ऑफ ए या बी सबसेट ऑफ ए या ए सबसेट ऑफ बी या बोथ बी एंड सी, इसके अंदर बोथ बन सकते हैं। किस तरह अब हमारे पास बी सबसेट किसका ए का है और ए किसका है वो बी का है, इट्स मीन कि ये बी इज सबसेट ऑफ ए का भी हो सकता है, या हम इनको दो मैटर से डिनोट कर सकते हैं। इस तरह भी लिखा होगा स्टेटमेंट, ठीक है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे होगा तो ये ठीक है, इट्स मीन कि ये दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या हैं करेक्ट हैं। अब हमारे पास क्या है कि ज़ीरो है, ये हमारे पास क्या होगा अगर हम ये राइट साइड पे जाएंगे पॉजिटिव क्यों होंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव क्यों होंगे, ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 इस तरह का मूव होते जाते हैं। अब हमारे पास क्या है कि एक्स प्लस, ये हमारे पास जिस तरह ना ज़ीरो है राइट साइड पे हम जा रहे हैं पॉजिटिव के, ये हमारे पास होते हैं जो रेशनल नंबर जिस तो हम डिनोट कर रहे होते हैं उनको कहते हैं। अच्छा अब हमारे पास क्या है द सोल्यूशन इज, अब इसमें से क्या करना है, एक्स हमने फाइंड करना है, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ज़ीरो है, एक्स फाइंड करना है, एक्स यहाँ पर रखेंगे बराबर वहाँ पर क्या है ज़ीरो है, साथ क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, तो एक्स हमारे पास क्या होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा एक्स हमारे पास ये आंसर होगा। अब हमारे पास क्या है द इंटीजर इन टर्न आर ए सबसेट ऑफ स्टिल लार्जर क्लास ऑफ नंबर कॉल्ड द,
तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा रैशनल नंबर होते हैं। तो ये आपने रैशनल और इरैशनल नंबर का आपको पता होना चाहिए क्या, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन भी याद रख लेनी है कि रैशनल की क्या होती है। अच्छा, अब हमारे पास इफ़ एक्स इज़ डिफरेंट फ्राम ज़ीरो दिस इक्वेशन इज़, तो ये क्या हमारे पास, अगर हमारे पास एक्स है वो डिफरेंट है ज़ीरो से, तो हमारे पास वो इक्वेशन होती है कॉन्ट्राडिक्ट्री। ये आपने याद रखनी है। इस तरह हमारे पास है कि ब्लैंक वाज एन एंशिएंट ग्रीक फिलासफर एंड मैथमेटिशियन हु स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर। उसने क्या कौन सी की थी, पाइथागोरस, जो कि उसने की थी मैथमेटिशियन ने। अर्थ पाइथागोरस कंक्लूड द साइज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मस्ट कंसिस्ट ऑफ ए डैश ऑफ एन एडिशन यूनिट। उसने क्या किया था, होल नंबर प्लस सम फ्रैक्शन एम ओवर एन की थी। इस तरह हमारे पास यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड पाइथागोरस शोड दैट द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट ट्राइंगल विद द बेस एंड अपोजिट साइड इक्वल टू, वो हमारे पास जो हाइपोटेनियस जो राइट ट्राइंगल होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है, एक मिनट मैं बताता हूँ। अच्छा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस इसको कहते हैं, ये हमारे पास बेस होती है, तो ये हमारे पास इसको बताया गया। तो ये हमारे पास क्या होती है, साइड इक्वल हो तो ये किसकी इक्वल होगी, ये हमारे पास वन की होती है। अगर हमारे पास है द रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर टुगेदर कंप्राइज अ लार्ज नंबर ऑफ, किसके होगा, रियल नंबर के, क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर जो है कि वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं रियल नंबर के अंदर। तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, इनका रियल नंबर बनेगा। अब हमारे पास ये किसकी बनी हुई है, अब मैंने बताना है कि जीरो इन दिस ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से हमारे पास पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, जीरो जो हमारे पास ओरिजिन है, अगर यहाँ राइट साइड पर मूव करेंगे तो ये हमारे पॉजिटिव के होंगे, लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो ये नेगेटिव के होंगे। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन कहलाएगा। ओरिजिन क्या है, ज़ीरो है। अब हमारे पास है कि 2, 4, 0.53π लेस ग्रेटर दैन इज इक्वल टू लेस दैन इज इक्वल टू माइनस थ्री इज़ द डैश इक्वालिटी। तो ये हमारे पास जो है कि इक्वालिटी जो है ये बिल्कुल रॉन्ग लिखी हुई है। तो आपने ये हैंड आउट्स भी देख रहनी है, इक्वालिटीज़ का ये एग्ज़ाम के अंदर आता है। अब हमारे पास दो सेट है, इनका ए यूनिट बी फाइंड करना है। तो ए यूनिट बी अगर हमने फाइंड करना है तो क्या होगा, इनको एक तरतीब के सीक्वेंस में लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में देंगे। अब अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या करना है, जो सेट ए के अंदर मौजूद होंगे एलिमेंट वो इस सब सेट बी के अंदर होंगे, तो उनको हम चुनेंगे। वन इसके अंदर बी, इसके अंदर भी ले लेंगे, टू इसके भी है, यहाँ पे भी, थ्री भी, फोर भी एग्जिस्ट कर रहा, तो इट्स मीन ये हम बी लेंगे। आपने ये नहीं देखना कि जो बी के एलिमेंट ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं, फर्स्ट सेट का सेकंड सेट के साथ कंपेयर करेंगे, जो सेट होंगे हम उसको उनको लेंगे। अब हमारे पास क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ रियल नंबर इज़ डिनोटेड बाय, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, ये जो इस तरह बार पड़ी होती है, इसको हम ए 11 टाइप के अंदर ए है, इसको मैग्नीट्यूड भी पढ़ सकते हैं, डिटर्मिनेंट भी पढ़ सकते हैं, एंड इज़ डिफाइंड बाय, ये किसके डिफाइंड हुआ था, ये हमारे पास इन दोनों इक्वेशन किससे डिफाइंड हुई था, ए ये इसकी जो इक्वेशन है, ये दोनों आप हमारे पास जो करेक्ट होंगी। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है, सोल्व एक्स माइनस थ्री मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू थ्री है। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो ये आपने देख लेना हमने इसको किस तरह जो है कि सोल्व करना है, एक्स वन थ्री इज इक्वल टू फोर, ये आपने पढ़े हैं एंड उसके अंदर। अच्छा, अब हमारे पास है कि विच इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पाइथागोरस कंक्लूजन, तो इसकी जो हमारे पास जो एग्जांपल है, ये हमारे पास जो के जो तीनों ऑप्शन है वे बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ये तीनों ऑप्शन जो हमारे पास, ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज हो गए। अब आपने डेफिनेशन दी कि वाट इज़ प्लेन क्या होता है, प्लेन इज जस्ट द सेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट लाइन एट 90 डिग्री, इट इज़ टेक्निकली कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट प्लेन। 90 डिग्री का मतलब होता है जब हम कोई भी डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो ये हमारे पास कितनी की होगी, ये हमारे पास 90 डिग्री की होगी। अब हमारे पास है द प्लॉट पॉइंट पी ए एंड बी मीन टू लोकेट द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट, किसके होगा, ए और बी के होगा, पॉइंट करेगा। द कोऑर्डिनेट प्लान एंड द ऑर्डर पेयर वी जस्ट डिस्कस इज टुगेदर नाउन, अगर हम जो कोऑर्डिनेट प्लान के अंदर ऑर्डर पेयर को हम सिर्फ डिस्कस करते हैं इकट्ठा आपस में कंबाइन करके, वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने जस्ट क्या करना है, एक दफ़ा इनको जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना है, इंशाल्लाह आपके जो एमसीक्यूज जो हैं वो ईजिली आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास है कि इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट डिवाइड इन द प्लान इनटू फोर रीजन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब इस तरह है, क्वाड्रेंट आप इसे ये देखें, हमारे पास इनको हम किस में करते हैं, फोर पॉइंट
वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर। तो ये हमारे पास क्या कौन कितने बनेंगे, फोर में डिवाइड करते हैं तो ये क्वाड्रेंट फोर बनेंगे। अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड, अपर लेफ्ट का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, मैंने आपको बताया। लोअर राइट, लोअर राइट का मतलब है कि ये देखें नीचे साइड मूव करेंगे तो ये राइट साइड पे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, और लोअर लेफ्ट साइड पे कौन सा होगा, ये थर्ड होगा। अब हमारे पास व्हाट इज साइन आर रिटन विद फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो है ना, ये वीडियो लेंथ ही तो हो जाएगी लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, आप देखें क्वाड्रेंट वन है ना, क्वाड्रेंट वन के अंदर क्या है कि दोनों जो हमारे पास नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, राइट। और क्वाड्रेंट थ्री के अंदर एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव के हैं। अब आपने इसे याद रखना है, आपने इसको रटर नहीं लगाना, आपने अपने माइंड के साथ जो कि इसको याद रखना है। फर्स्ट माइनस है, इट्स मीन यहाँ माइनस आएगा, और सेकंड में क्या हो जाएगा, हम प्लस कर देंगे, राइट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये फर्स्ट प्लस है ऊपर, यह प्लस होगा और नेक्स्ट क्या कर देंगे, नेगेटिव का कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट बहुत पॉजिटिव का है, राइट, बहुत पॉजिटिव के हैं, ये एग्जाम के अंदर आएगा आपके एमसीक्यू। अब हमने क्या करना है कि सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू टेन है, सोल्यूशन आप फाइंड करना है। एक्स और वाई क्या आपको दिए जाएंगे, एक्स हमारे पास यहाँ पे थ्री है और वाई हमारे पास टू है, इसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो ये हम देख लेंगे, सिक्स थ्री जार एटीन होता है और फोर टू जार, ये इसकी जस्ट वैल्यू इंसर्ट कर, जब हम माइनस करेंगे तो ये इज इक्वल टू टेन क्या आ जाएगा, आप देख लेंगे ना। अब हमारे पास है दी डैश ऑफ एन इक्वेशन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, दी सेट ऑफ ऑल पॉइंट एक्स वाई प्लेन हूज। अच्छा, ये हमारे पास ग्राफ की आपको बता रहा है, हम जिस तरह ग्राफ बनाते हैं ना, इस तरह ये डिनोट करके जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं एक्स और वाई के, जिस तरह ऑल पॉइंट हम इसके ऊपर राइट डाउन करते हैं, ये हमारे पास ग्राफ कराता है। व्हेन अ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग पॉइंट वेदर बाय ब्लैंक, देयर इज नो गारंटी दैट द रिजल्टिंग कर्व हैज़ द करेक्ट शेप। तो इसके अंदर जो हैंड बना कैलकुलेटर होगा कंप्यूटर, ये तमाम ऑप्शन हमारे पर राइट हैं। द नंबर ए इज़ कॉल्ड एन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ एंड द नंबर बी इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट लॉन्ग प्लस एमसीक्यूज़ के। अगर हमने एक्स इंटरसेप्ट लेना है, अगर मैं एक्स लूँगा क्या कर दूँगा, वाई को क्या करना है, मैं कर दूँगा ज़ीरो। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान से अभी देखनी है, अगर मैं y का इंटरसेप्ट लूँगा तो x को क्या कर दूँगा, ज़ीरो कर दूँगा, दिस वन मैंने करना है। तो ये यहाँ पे भी यही हुआ है, x लिया है तो y क्या कर दिया, ज़ीरो लिया है, फिर y लिया है तो x का क्या कर दिया, ज़ीरो ले लिया। अच्छा, ये आपने पॉइंट अभी मिस आउट नहीं करना, मिस नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो जो है ना थोड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन आपके बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। आपने यहाँ पर एक टेक्निक देखनी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो इस पेयर के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास एक्स होता है, सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वाई है, इस तरह ये पॉइंट क्या है, ये एक्स है फर्स्ट, सेकंड वाई है। एक्स मैंने लिया है तो क्या बताया था, एक्स लिया है तो वाई ज़ीरो कर दीजिए, देखें ये पॉइंट वाई ज़ीरो कर दिया है, फिर वाई लिया है एक्स को ज़ीरो कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है, वाई एक्स लिया है तो एक्स ज़ीरो कर दिया, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब क्या है कि थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स है, राइट। अब क्या करना है, इसको इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ये इसका फ़ायदा ये है ना, आपके यहाँ इसके अंदर एमसीक्यूज़ प्लस जो कि सब्जेक्टिव पेपर दोनों जो है ना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं, अब मैंने क्या किया है, ये लिया एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वाई ज़ीरो कर दूंगा। यहाँ पे क्या किया, वाई इज इक्वल टू क्या किया, ज़ीरो किया। यहाँ पे वाई मैंने ज़ीरो इंसर्ट किया, यहाँ वाई है तो ये ज़ीरो इंसर्ट करूँगा, ये पूरी ज़ीरो हो जाएगी, थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स होगा, राइट। ये बनेगी थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स होगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। अब मैंने वाई इंटरसेप्ट लिया, वाई का मैंने ऊपर बताया था, वाई लिया है तो एक्स ज़ीरो कर दिया है। अब एक्स ज़ीरो किया है तो क्या होगा, ये एक्स पूरी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई है, टू वाई इज इक्वल टू सिक्स होगा, ये टू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, सिक्स होगा, राइट। वाई इज़ इक्वल टू सिक्स बाई टू हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आ गया, नहीं यहाँ पे मैंने ये सेकंड एग्जांपल भी आप इस तरह करनी है, क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस एग्जाम के अंदर भी आई थी एग्जांपल। वाई इज़ इक्वल वन ओवर एक्स है ना, वन ओवर एक्स तो एक्स इंटरसेप्ट लिया तो वाई मैं क्या कर दूंगा, ज़ीरो कर दूंगा, तो क्या होगा, ज़ीरो इज इक्वल टू वन ओवर एक्स आ जाएगा, राइट। तो इस तरह क्या, वाई इंटरसेप्ट लिया है तो वाई लिए एक्स में जीरो करूँगा, अगर वन आवर हमारे पास क्या होता है, जीरो होगा तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बनेगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जो ही बन गया। यहाँ पे क्या आ गया, नो वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो सिमेट्री है, सिमेट्री की ये हमारे पास एग्जाम्पल, ये हमारे पास डेफिनेशन दी गई है 39 एमसीक्यूज़ के अंदर, तो ये भी आपने देख लेनी है। स्लोप ऑफ ए हिल इज़ द डैश ऑफ इट राइज टू इट्स रन, तो ये हमारे पास किसकी होगी, रेशो के अंदर इक्वल होती है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। राइजिंग स्लोप एम इज़ सम टाइम कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, ये एक्स बिलोंग टू लाइन के होता है।
स्लोप ऑफ लाइन कैन बी, ये हमारे पास जो लाइन स्लोप होती है ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और हमारे पास जीरो की भी हो सकती है। और 43 के अंदर हमारे पास क्या है, फॉर ए लाइन एल नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस द एंगल ऑफ डैश इन द स्मॉलेस्ट एंगल। अच्छा ये हमारे पास है एल जो पैरेलल नहीं है, पैरेलल का मैं मतलब बता देता हूँ, नॉन पैरेलल क्या होता है। पैरेलल का मतलब है अगर एक चीज़ जो कि एक ही सिमत में सीक्वेंस वाइज ट्रैवल कर रही है वो हमारे पास पैरेलल है। नॉन पैरेलल का मतलब है एक चीज़ जो कि राइट साइड मूव कर रही है और एक इसकी बिल्कुल अल्टरनेटिव मूव कर रही है राइट साइड पे, तो ये हमारे पास नॉन पैरेलल है। ये क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन हो जाएगा इसका। अब 44 का क्या है, द लाइन विद वाइट स्टेप बी एंड स्लोप एम इज़ गिवन बाई द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी इज़ कॉल। तो ये हमारे पास होती है स्लोप इंटरसेप्ट की, ये हमारे पास इक्वेशन है एम एक्स प्लस बी जो कॉल करती है। वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो इज कॉल्ड अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एंड एक्स एंड वाई कहलाते हैं। वी यूज़ द इक्वेशंस ऑफ लाइन कॉल्ड ब्लैंक टू स्टडी इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू इज कोऑर्डिनेट प्लान इज गिवन। तो इसका जो कि डिस्टेंस का ये एग्ज़ाम के अंदर आता है, इसका फार्मूला क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है कि ये हमारे पास ये आंसर है वाई टू, मैंने ये नहीं नहीं ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर जो हमारे पास है ये देखें, डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वेयर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी वन एंड पी टू इज कोऑर्डिनेट प्लान इज कॉमनली डिनोटेड बाय बोथ ए एंड बी। इसको किस तरह कह सकते हैं, डी पी वन और पी टू से डिनोट कर सकते हैं या पी टू कॉम पी वन से जो कि हम डिनोट कर सकते हैं, मीन कि इनके जो पॉइंट आगे पीछे हम राइट ऑफ कर दें कोई मसला नहीं होता। अब हमारे पास क्या है कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट एक्स वन वाई वन। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आपने याद रखना, मिड पॉइंट का भी एक आपने डिस्टेंस का याद रखा, इसका इंशाल्लाह आपके एग्जाम के अंदर इस दफ़ा भी जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग आएगा और मिड पॉइंट का भी आपके पास आएगा। मिड पॉइंट का फार्मूला आपने देख लेना है, एक्स वन प्लस मैं आपको अभी बता रहा हूँ एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड टू आ जाएगा कामा वाई वन प्लस वाई टू बट्टा क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। आप क्या है ये एक्स वन है ये वाई वन है ये एक्स टू है वाई टू है, ये एक्स वन पिक करें फिर एक्स टू करें एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टा टू आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखे हुए है एक्स वन, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एक दफ़ा, एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टा क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। सेकंड पे क्या आ जाएगा वाई वन, वाई वन क्या वाई वन प्लस वाई टू बट्टा टू आ जाएगा जी। ये हमारे पास मिड पॉइंट इस तरह फाइंड करते हैं। अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज, एक्स जो कि कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का, तो ये बार बार जो सेंटर है जिस तरह एक सर्कल है इसका सेंटर हमारे पास क्या बनेगा, ये दरमियान पे हमारे पास बनेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है सेंटर होता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज, तो वाई का जो कोऑर्डिनेट क्या होता है ये वाई नॉट पर होता है और एक्स का जो एक्स नॉट पर होता है। इस तरह रेडियस इज डिनोटेड बाय रेडियस को हम स्क्वायर ऑफ आर से डिनोट करते हैं और हमारे पास एक रेडियस होता है और सेकंड हमारे पास होता है डायमीटर, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, रेडियस को हमारे पास आर से, रेडियस और हमारे डायमीटर का। ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का ये हमारे पास क्या है ये मिड पॉइंट है। अगर इसका इतना जो हाफ पॉइंट चाहे इस तरफ ले लें चाहे इस तरफ ले, हाफ लेंगे वो हमारे पास रेडियस है। डायमीटर का क्या होगा, ये इस लाइन को यहाँ से क्रॉस करके ये दोनों आपस में पॉइंट आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा डायमीटर होगा इस पूरे सर्कल का। अब है कि द सर्कल एक्स टू प्लस वाई टू इज इक्वल टू दिस वन वाई विच इज सेंटर ऑफ द ओरिजिन एज रेडियस वन इज स्पेशल इंपॉर्टेंट इस का। ये हमारे पास होता है यूनिट सर्कल होता है रेडियस का, मैंने अभी बताया कि ये देखा हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा रेडियस हमारे पास क्या है आर इज इक्वल टू दिस वन वन है तो ये सर्कल आएगा। वाई वट आर डी जनरेटेड केसेज ऑफ द सर्कल, तो ये हमारे पास ये होगा के ग्रेटर दैन जीरो, के इज इक्वल टू जीरो या के लेस दैन जीरो दिस वन के होगा। अब ये हमारे पास इसका ग्राफ वगैरह बनाना होता है ये आपने देख लेना है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कैन बी फाउंडेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है पैराबोला का। तो ये इसको हम माइनस बी बाई टू ए का ये फार्मूले से हम जो है कि इसको फाइंड कर सकते हैं पैराबोला को। पैराबोला की शक्ल जो है कि ये इस तरह होती है, ये देख या इस तरह हो सकती है या इस तरह हो सकती है, ये आप पैराबोला के आप देखने। टू फाइंड दीज इंटरसेप्ट वी सेट वाई इज इक्वल टू जीरो ऑब्टेन, अगर हमारे पास ये है तो ये हम इस तरह जो इक्वेशन है ये फाइंड करेंगे। दी हाइट ऑफ द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक मैक्सिमम आर मिनिमम डिपेंडिंग ऑन वेदर द ग्राफ ओपन्स, तो ये हमारे पास होगा अप ही हो सकता है या लॉन्ग भी, अप या डाउन दो
दो चीज़ें, मैक्सिमम पे मैक्सिमम होगा, अप होगा, मिनिमम होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, डाउन होगा। तो अब हमारे पास है कि दी एरिया ए ऑफ ए सर्कल डिपेंड ऑन इट्स, तो हमारे पास जो एरिया का जो सर्कल होता है वो हमारे पास डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। वेलासिटी इज़ अ ब्लैंक ऑफ टाइम, तो ये फंक्शन ऑफ टाइम होता है। एरिया इज़ फंक्शन ऑफ रेडियस का होता है। इन द ब्लैंक स्पेस मैथमेटिशियन यूलर इंट्रोड्यूस द नोटेशन विच मीन एफ आई इज इक्वल टू एफ एफ, इसने की था 1700 के अंदर जो है कि मतलब के नोटेशन को जो है कि किया था। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है, इन्वेंट किया था वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स 1700 के अंदर। व्हाट ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड आर फंक्शन, तो ये आपने फंक्शन के याद रखने कौन कौन से फंक्शन को। अच्छा, ये फंक्शन के अंदर ये हमारे पास उसने किए थे ऑपरेटर जो है वो हमारे पास फंक्शन के अंदर अप्लाई हो सकते हैं। एडिशन का हो सकता है, सब्सट्रैक्शन का होता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है और डिवीजन का हो सकता है। फंक्शन कैन कंपोज विद ईच अदर का, ये आपने जस्ट एज अ ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है आपको। ये जनरली भी पता होना चाहिए फंक्शन के ऊपर हम क्या कौन कौन सी फंक्शन जो ओके परफॉर्म कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। अगर हमारे पास एफ एफ एक्स एक्स टू क्यों हो, जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यों हो, तो इफ़ वी वांट टू ऐड दीज टू फंक्शन देन विच, अगर इन दोनों को ऐड करना, ये इंपॉर्टेंट है। जी सर्कल एफ एफ एक्स एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स, ये बहुत अहम है। इन दोनों को ऐड करना क्या होगा, एफ एफ एक्स प्लस क्या कर देंगे जी एफ एक्स, ये करेंगे, ये हमारे पास क्या जनरल फॉर्म बन जाएगी। एफ एफ एक्स के अंदर ये क्या एक्स टू कर देंगे प्लस जी एफ एक्स एक्स कर देंगे, ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन जाएगी। इस तरह के व्हाट आर प्रोडक्ट ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तो इनके ये आपने ये फंक्शन के ये एडिशन को करना है तो दिस वन करेंगे, माइनस सब्सट्रैक्शन करना है तो ये एफ एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स करेंगे, प्लस करना है यहाँ पे प्लस कर देंगे, माइनस का माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन का कर देंगे एफ एफ एक्स डिवाइडेड जी एफ एक्स कर देंगे, और जी एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो क्यों होगा। इस तरह ये हमारे पास है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस टू है, जी एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है। इसके अंदर हमने ये तीन चार मेथड करने हैं, तो ये आपने भी देख लेना ये हमने किस तरह जो कि सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने फाइंड करना है कि 3x की डोमेन क्या होती है। 3x के डोमेन आप रेंज का पता तो है आपको होगा, फेमिलियर होगा। 3x का हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम जो कि इसके अंदर नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लस माइनस वन आई एन एफ मतलब इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, या इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी, ये दोनों फॉर्म आपकी करेक्ट होगी। अब ऑपरेशन हैज़ नो अलॉन्ग विद द अरिथमेटिक ऑपरेशन कंपोजिशन, जो ऑपरेशन होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ जो कि वो परफॉर्म नहीं हो सकता। अब हमारे पास दिए गए हैं कि वैन टू फंक्शन आर कंपोज वन इज डिज़ाइन एज अ वैल्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ, अच्छा जब जो भी हम फंक्शन को कंपोज किया जाता है उसकी जो एक वैल्यू वो असाइन कर दी जाती है। अब ये आपने टेबल आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन हमारे पास ये दिस वन है, तो ये इसका जो आपने पढ़ लेना है। ग्राफ की डेफिनेशन भी आप देख रहे हैं किस तरह एफ एक्स प्लस टू का ग्राफ ही आपको आना चाहिए। एक्स के अंदर आप कोई भी नंबर इंसर्ट करते हैं तो आपको फिर ग्राफ जो कि आप बना लेंगे, स्केच करेंगे फिर ग्राफ एफ एक्स का दिस वन का, तो आप पता है। अब हमारे पास एफ एफ एक्स इज़ अ मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी विद दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, तो ये हमारे पास अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो ये तमाम के जो तमाम हमारे पास क्या होगी, ये थ्री आपके करेक्ट होंगे। अब अ ग्राफ इन द प्लेन इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ डैश लाइन इंसर्ट, इसके अंदर फिर नॉन वर्टिकल होगी लाइन जो कि वो नॉन वर्टिकल होगी अगर हम ग्राफ फंक्शन के ग्राफ के अंदर ये हमारे पास प्लान होता है तो। ट्रेडिशनली द कैलकुलस दैट कम्स आउट ऑफ द टेंजेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास ट्रेडिशनली रवायती तौर पर हमारे पास जो कैलकुलस है ये आई थी डिफरेंट कैलकुलस की मदद से हम जो कि ये हमारे पास कैलकुलस जो कि एग्जिस्ट हुई थी। कैलकुलस दैट कम्स आउट ऑफ द एरिया प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस के प्रॉब्लम की बुनियाद के ऊपर जो हमारे पास जो है कि ये कैलकुलस जो है कि आई थी एरिया। इन ज्योमेट्री अ लाइन इज कॉल्ड डैश टू अ सर्कल इफ़ इट मीट द सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट, अगर हमारे पास जो कि ये सर्कल जो मीट सर्कल के ऊपर जो मीट करते हैं एग्जैक्टली एक पॉइंट को, वो हमारे पास क्या होती है, वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। ये टेंजेंट लाइन जो आपने ये याद रखनी है कि ये क्या होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो है कि ये इतनी पूरी लिखी हुई है हमारे पास एक सेकंड और टेंजेंट लाइन के एक के ऊपर लिखा हुआ, जो सेकंड लाइन वो होती है जो कि आउटसाइड जो कि बाउंड्री से जो क्रॉस करके चली जाए, टेंजेंट लाइन जो एक दो पॉइंट्स एक या एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर मीट करके जाती है वो हमारे पास टेंजेंट लाइन। ये आपने कंसेप्ट भी याद रखना है और देख लेना है एंड उसके ऊपर। इफ़ वी लेट आवर रेक्टेंगुलर इंक्रीज इन नंबर दैन अप्रॉक्सीमेटली विल बी बेटर एंड द रिजल्ट विल बी गेटिंग ए लिमिटिंग वैल्यू, जो हमारे पास आ सकती है, मीन की नॉन लिमिटिंग तो नहीं आ सकती, लिमिटिंग मीन की एक बाउंड एक रेंज हमारे पास होती है इसके अंदर हमारे पास आ सकती है।
जो लिमिट होती है ये बेसिकली एक वे ऑफ स्टडी बिहेवियर होता है, वाई वैल्यू और फंक्शन वैल्यू हम कितनी एक्स की वाई की वैल्यू कितनी इंसर्ट कर सकते हैं ये हमारे लिमिट दी जाती है। एफ एफ आई साइन एक्स ऑवर वेयर एक्स इज, एक्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है रेडियंस कहलाता है। एक्स हमारे पास क्या है, रेडियन। रिमेंबर दैट पाई रेडियन जो हमारे पास ये 180 डिग्री के बराबर होता है। एक्स इज नॉट डिफाइन एट एक्स, तो अगर एक्स डिफाइन ना होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, जीरो कहलाएगा। वाट हैपन इफ यू गेट वेरी क्लोज टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी आपने राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल क्या होते हैं ये भी आपने को पता होना चाहिए। दिस ग्राफ नो लिमिटिंग वैल्यू इज ऑसिलेट्स बिटवीन माइनस वन और वन के दरमियान, हमारे पास के लिमिटिंग वैल्यू नहीं होती। अगर आपको मैं कह दूँ माइनस वन कामा वन प्लस वन, इसके अंदर हमारे पास लिमिटेड वैल्यू हो सकती है या अनलिमिटेड, तो ये हमारे पास अनलिमिटेड क्योंकि ये माइनस वन पॉइंट जीरो वन टू थ्री फोर एंड आप टू अनफिनिटी तक जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे माइनस वन से प्लस वन तक। लिमिटेड फेल फॉर मैनी रीजन बट यूजली कॉल्परेट्स और ऑसिलेशन के ऊपर जो हमारे पास कुछ जो लिमिट होती हैं वो हमारे पास किसी बुनियाद के ऊपर जो है कि वो फेल हो जाती हैं, किसके ऊपर, वो ऑसिलेशन की बुनियाद के ऊपर। इस तरह है कि बे फंक्शन हमारे पास बेसिक फंक्शन क्या होते हैं कि ये हमारे बेसिक फंक्शन ये जी एफ एक्स इजिकल टू एक्स का देते हैं या एफ एफ एक्स इजिकल एक्स का, ये हमारे पास दोनों ये क्या बेसिक फंक्शन है। अगर एक्स लिमिट जीरो साइन एक्स ये किसके होता है, ये हमारे पास जीरो के इक्वल होगा, ये बहुत सेम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स हमारे पास क्या होगा, जीरो के होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो ये हमारे पास ये इस तरह जो लाइन हम ड्रा करते हैं ये हमारे पास क्या होगी, बिटवीन जीरो जीरो और 180 के दरमियान जो हम मेजर कर रहे हैं क्लॉक वाइज, ये हमारे पास क्या क्लॉक वाइज फ्राम द पार्ट ऑफ एक्स इज टू द राइट, एक्स एक्सिस जो राइट साइड के ऊपर हम जब कर रहे हैं तो ऑल वर्टिकल लाइन हैव एंगल इंक्लिनेशन 90 डिग्री के ऊपर क्या होगा कि हमारे पास जो वर्टिकल लाइन के ऊपर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि इसके अंदर हम जो कि लिखते हैं ये हमारे पास क्या क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसके अंदर ए प्लस बी कर दें कुछ भी कर दें, ये हमारे पास कौन सी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती हैं। इस तरह है कि ये हमारे दिए गए इसको सॉल्व करना है तो ये भी आप देख लेना है। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होती है, डी वन माइनस डी नॉट ये होती है दिस वन जीरो अवर टी वन माइनस टी जीरो का है। कंसिडर अगर टू फंक्शन है एफ एफ एक्स क्यूब है और ये दिस वन है, तो एफ सर्कल जी एफ एक्स जी की वैल्यू इंसर्ट करेंगे एफ के अंदर, जी एफ एक्स हमारे पास क्या है एक्स प्लस नाइन है, तो एफ क्या हमारे पास, एफ हमारे पास है ये एक्स के अंदर रखेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस नाइन का होल क्यूब बन जाएगा। कंसिडर टू फंक्शन है ये दिस वन है, तो ये हमने इस तरह करना है कि जी एफ एक्स अंडर रूट एक्स है और ये किसके अंदर चला जाएगा इसके अंदर, तो अंडर रूट एक्स का होल स्केयर बनेगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स का क्या बनेगा होल स्केयर बन जाएगा स्केयर टू इसके सेकंड सर, तो ये हमारे पास एक्स आंसर का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या करना है कि ये एफ एफ एक्स एंड जी है, तो ये हमारे पता है कौन सा फंक्शन ये इसके अंदर ट्रू है, एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री होगा, अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर ऑफ एक्स के प्लस एक्स प्लस फाइव का स्केयर है, तो दिस वन ये हमारे पास क्या होगा एक माइनस फाइव का हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा इसके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस फाइव आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा और कामा क्या आ जाएगा हमारे पास फोर हो जाएगा, इसको जो सेंटर ऑफ रेडियस इस तरह होगा। ग्राफ है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सिमेट्रिक अबाउट, ये हमारे पास एक्स इज इक्वल वाई स्क्वायर, अब हमारे पास जितनी इसकी वैल्यू अनुसार जीरो वन प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री आप टू से वन करेंगे तो ये हमारे पास जो एक्स ये हमारा ग्राफ बनेगा ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, मीन कि ये वाई के ये नीचे जो होकर मूव नहीं करें, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही मूव होगा। द चेन रूल इज यूज फॉर टू फंक्शन एफ एंड जी, इफ वी एफ डैश ऑफ दिस फंक्शन कंपोजिशन के अंदर जो हम क्या करते हैं चेन रूल अप्लाई करते हैं, फंक्शन डिफरेंट फंक्शन इफ डिफरेंस ऑन द, हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं अगर हमारे पास वो मैनफी इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हों, फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन वो होते हैं जो कि इनके उनके जो कंटिन्यूस फंक्शन वो होते हैं जो कि एक सीक्वेंस की आगे जो फंक्शन बढ़ रहे होते हैं कंटिन्यूस, वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होते हैं। साइन एक्स ऑवर एक्स है तो इसको क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा ये वन हो जाएगा इसके अंदर जब जीरो ये दिस वन और ये जीरो करेक्ट है। पॉलिनामी का ये हमारे पास क्या होगा ये ए ऑप्शन करेक्ट है, ये पॉलिनामी का आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ भी सकते हैं एम सी क्यूज के तौर पर। नंबर ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू वन एफ एक्स, तो क्या होगा नंबर नो एक्स एंड नो वाई इंटरसेप्ट, ना इसका एक्स एक्स और वाई का इंटरसेप्ट नहीं ले सकते हम इसका वाई का इंटरसेप्ट, क्योंकि अगर एक्स लेंगे वाई जीरो करेंगे एक्स अगर वाई लिया तो एक्स जीरो करेंगे फिर क्या आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए इन्फिनिटी को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अ लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन द सर्कल इफ़ मीट द सर्कल एट प्रीसाइजली, तो ये अगर हमारे पास सर्कल
अगर हमारे पास टेंजेंट लाइन वो कहलाती है जब एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास वो ड्रा होती है, ये हमारे पास सर्कल है। अगर ये हमारे पास इसके आउटसाइड यहाँ से एक पॉइंट के ऊपर ड्रा करके वो टेंजेंट लाइन है सेकंड, जो कि दो एक या एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर ड्रा होती है वो हमारे पास सेकंड लाइन कहलाती है। अब है मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वो होता है इसकी ये फॉर्म है जो कि हमारे पास जीरो से लेस होगा, ये मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम इसका जो कि उलट हो जाएगा, मैक्सिमा है वो मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम है। तो ये हमारे पास दिस वन किसके इक्वल होता है, ए मनफी डेल्टा, तो दिस वन क्या हो जाएगा सेट हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सा कराएगा इंटीजर सेट का, जिसके अंदर जमा माइनस दोनों के एग्जिस्ट नंबर करते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन की डोमेन क्या होगी, जब आप इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। ये आपने जो कि बाय हैंड जो कि इसको सॉल्व करना तब आपको ये पता चलेगा कि ये इसकी रेंज क्या, तो ये क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे एलैबोरेट नहीं कर सकता हर चीज़ को। इसको हम क्या कहते हैं पाई, ये हमारे पास हमेशा ये क्या कहलाते हैं इंटीजर नंबर में आता है। फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी कंटिन्यू इंटरवल ए बी फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, तो अगर ये हमारे पास किसके ऊपर होगा ये कंटिन्यू ये भी देख लेना है। ए फंक्शन सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किसके करेगा ये, अब इसको करेंगे तो हम कह सकते हैं ये कंटिन्यूस है किसके ऊपर, सी के ऊपर। अब डेरिवेटिव सेकंड का लेंगे तो ये क्या होगा साइन एक्स ओवर वन माइनस साइन एक्स क्या होगा लॉग बी ए सी, लॉग बी ए सी क्या होगा लॉग ए प्लस लॉग बी, बेस बी होगा लॉग ए ओवर प्लस लॉग बी इंटू सी हो जाएगा। मीन के ये क्या हो जाएगा लॉग, अगर हमारे पास है एम इंटू सी है तो ये क्या होगा लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा लॉग ऑफ सी आ जाएगा आंसर। अब क्या होगा लॉग बी इंटू ए है, क्या होगा आर लॉग बी बेस बी इंटू ए आ जाएगा। तो इफ़ एफ डबल प्राइम एक्स लेस दैन जीरो वन पॉइंट ओवर ए बी देन ये क्या होगा ये कनकेव डाउन पे ऊपर होगा। ये अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है पॉइंट के ऊपर तो इनके ग्रेटर दैन है तो ये क्या होगा मिनिमम होगा, अगर लेस दैन है वो मैक्सिमम। मीन के ये उलट है क्योंकि ग्रेटर दैन होता है तो बड़ी वैल्यू को हम क्या कहते हैं ये मिनिमम ये मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर दैन को हम क्या कहेंगे बड़ी वैल्यू को मिनिमम कहेंगे, और लेस दैन की वैल्यू को जो छोटी होगी उसको हम क्या कहेंगे वो उसको बड़ी वैल्यू कहेंगे। मीन के इसके अंदर आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं ग्रेटर दैन है तो इसका ये वैसे तो मैक्सिमम आना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या आएगा मिनिमम आएगा, अगर लेस दैन होगा तो ये क्या आएगा ये मैक्सिमम आएगा, ये इसका उलट होता है थोड़ा सा। अब हमारे पास है द इक्वेशन एक्स प्लस फोर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल सिक्स है, तो ये रिप्रेजेंट सर्कल हैविंग कर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा माइनस फोर कामा वन और अंडर रूट हमारे पास सिक्स कहलाएगा। अब है कि द लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स अवेयर एफ एक्स इज इक्वल टू के, तो ये के कहाँ से इक्वल टू, ये हमारे पास क्या के है यहाँ पे के अप्लाई करें ये हमारे पास क्या आ जाएगा के आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे भी फॉली पॉलिनोमियल के ये दिए गई है, पॉलिनोमियल हमारे पास हमेशा ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ये डिसकंटिन्यूस नहीं होता, ये आपने याद है। अब क्या कर डी एच एफ एक्स है डी एच प्राइम एक्स आ जाएगा, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अप्लाई करेंगे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास हमेशा क्या होगा ये एक्स एक्सिस पे ही होगा, चाहे पॉजिटिव की साइड पे चाहे पॉजिटिव की साइड पे चाहे नेगेटिव साइड पे। कंसिडर टू फंक्शन ये दिस वन है तो ट्रू अबाउट होगा एफ एक्स इंटू जी एफ एक्स, ये हमारे पास थ्री एक्स होगा, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा थ्री एक्स होगा। फंक्शन इन द आखिर फार्मूला इज कॉल विद रिस्पेक्ट टू, फार्मूला ये क्या है ये हमारे पास क्या है डेरिवेटिव का, ये हमारे पास क्या है फार्मूला है। सपोज एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू जी किसके होगा, ये जो डिवाइड के ऊपर स्केल ले लेंगे ऊपर क्या लेगा जी इंटू एफ माइनस एफ इंटू जी, पहले एफ का प्राइम लिया है देन सेकंड पे क्या करेंगे जी का प्राइम ले लेंगे। एक्स की पावर टू माइनस नाइन ये किसके होगा ये इस तरह एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री के होगा। यूजली द नंबर दैट सिग्निफाई द आइडिया ऑफ एफ एक्स बींग क्लोज लिमिट एल टू बी, ये हमारे पास क्या होती है इंटीजर के होते हैं। ये फंक्शन सेट टू कंटिन्यूस ऑन क्लोज, ये हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है इफ़ एंड ऑनली इफ आई कंटिन्यू फ्राम राइट एंड ए एंड बी एफ इज कंटिन्यू फ्राम लेफ्ट एंड अच्छा ए बी, ये हमारे पास इस दिस वन होगा तो ये हमारे पास एटलीस्ट किसके होगा, अगर दिस वन के होगा तो क्लोज ब्रैकेट्स है तो ये क्या होगा एटलीस्ट कम पे होगा सोल्यूशन। एप्सिलॉन यूज इन डेफिनेशन ऑफ लिमिट कैन बी नेगेटिव नंबर, तो ये हमारे पास क्या गलत है इन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एंड इट कंटिन्यूस एट द पॉइंट, तो ये हमारे पास एक पॉइंट के ऊपर हम इसको कंटिन्यूस पे फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यू एट सी एफ प्लस जी इज ये क्या होगा कंटिन्यूस होगा, इस तरह दिस वन होगा तो एफ एफ एक्स इज इक्वल टू सी क्या हो जाएगा। एक्स माइनस थ्री लेस दैन है तो ये अप्लाइज टू क्या होगा एक्स लेस दैन टू और ग्रेटर दैन फोर के होगा, तो ये इस तरह अगर इसकी इक्वेशन होगी सर्टिफाई तो थ्री एक्स माइनस फाइव के होगा।
ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन एट द पॉइंट ऑफ एक्स वाई प्लेन एट द इक्वेशन, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये सेटिस्फाई कर रही होती है। इफ टू लाइंस हैव सम स्लोप से आई देन दिस टू लाइंस आर, अगर हम कह सकते हैं ये इन दोनों की जो स्लोप है वो सेम है, इट्स मीन के उन दोनों का वो पैरेलल, पैरेलल मीन के एक सीमित के अंदर वो मूव कर रहे होते हैं, पैरेलल इसको कहते हैं। देयर इज वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास क्या होगा कि वन टू वन करस्पॉन्डेंस है, तो इट्स मीन ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होंगे। अब एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाउन नाइन, ये हमारे पास जो ग्राफ है रिप्रेजेंट कर रहा होता है सर्कल नॉर्थ और मीन के, ये हमारे पास सर्कल को शो कर रहा होता है। ये आप जब करेंगे आपको पता चल ये पैराबोल है या इलिप्स है या सर्कल नॉर्थ शोर के इक्वल हमारे पास होता है। तो अब हमारे पास है कि इफ साइन 3x पावर रेस टू 2 अवर 6 प्लस सी द एंटी डेरिवेटिव फंक्शन, अच्छे से एंटी डेरिवेटिव लेना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x cos 3 की पावर क्या होगा, साइन के डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, cos हो जाएगा फिर 3x की पावर क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। विच आर द फॉलोइंग इज द इंटीग्रल साइन 3x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे पास क्या होगा, 1 ओवर 3 माइनस cos इंटू 3x प्लस 5 के इक्वल होगा, क्योंकि साइन का जो हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं ये कॉस के इक्वल होता है माइनस कॉस, इंटीग्रेशन करेंगे तो इफ़ एन गोज फ्रॉम 1 to 3 द सबमिशन ऑफ एन ए 6 ए द वैल्यू ऑफ ए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इफ़ एन गोज फ्रॉम 1 to any लार्ज ऑड नंबर दैन सबमिशन ऑफ माइनस 1 की पावर एन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड के ऊपर माइनस 1 होगा। इस तरह के दैट स्पेसिफिक लार्ज ऑड नंबर क्या हो गए, टी ओवर टी प्लस 1 डिवाइडेड टी इंटू टी प्लस 1 ओवर 2, हम जो कि लार्ज ऑड नंबर को स्पेसिफाई करते हैं। इफ़ टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन अवर, ये हमारे पास ए कॉमन 0 है, तो 2 माइनस दैन वैल्यू ऑफ ए, ये हमारे पास किसी होगा पाई की इक्वल, पाई हमें पता है 3.1416 इक्वल, ये आपने पाई की भी रकम याद रखनी है वैल्यू। इफ़ द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एफ इज इक्वल 3 अवर, ये दिस वन ग्रेटर दैन 1 to, दैन ये हमारे पास क्या होगा, एक्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 3 के इक्वल होगा, हम इसको अंदर क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर दैन 3 के वैल्यू अपर रखेंगे। इफ़ माइनस 8.8 इज सब डिवाइडेड इंटू 16 इक्वल स्पीड इंटरवल, दैन द राइट हैंड पॉइंट 33 विल बी, ये हमारे पास 5 तक जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2, साइन 2x हमें मैं आपको बता चुका हूँ इंटीग्रेशन वो होती है, ये हमारे पास दिस वन की होती है। सम ऑफ क्यूब एन टर्म्स ऑफ सर्विस हूज एन टर्म इज एन स्क्वायर ऑफ एन प्लस 1 इंटू जस्ट अ गेस, इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट इज डिवाइडेड द प्लेन इंटू 4 रीजन, 4 रीजन के अंदर मैंने आपको अभी पीछे बताया था, 4 रीजन हम डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, जो मैंने आपको क्वाड्रेंट के बताया ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ऑफ एफ एफ एक्स इज जो एब्सोल्यूट एक्स है, ये हमारे पास क्या बनेगा, वी शेप का बनेगा, वी शेप मतलब इस टाइप का, ये देखें ना आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वी शेप का हमारे पास क्या बनेगा, ये शेप इसकी बनेगी। अगर एक्स प्लस 3 का बनेगा तो ये हमारे पास क्या होगा, बाईस यूनिट अप लेवल पे होगा, ये देखा ना, ये इस तरह डाउन लेवल के ऊपर जो है कि ये इस तरह डाउन लेवल पे नहीं आएगा, नीचे मूव नहीं होगा, ये ऊपर इस तरह ऊपर मूव करेगा। इस तरह के ग्राफ एक्स माइनस 5 है तो ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स वाई अप, तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन, अच्छा ये जो ग्राफ क्या है ना ये आपको बनाने आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ तो मैं आपको नहीं बता क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, तो मैंने आपको बस ब्रीफली बता रहा हूँ कि इसके एमसीक्यूज आपको जस्ट, तो क्या है कि आपको ग्राफ बनाने भी आने चाहिए, मुझे पता है आई होप कि ये जो ग्राफ है ना आपको आते होंगे, लेकिन क्या है कि मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, एक्स आप रखेंगे क्या होगा, एक्स मीन इसमें अगर रखते हैं ये इस तरह मैं आपको बता, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 है राइट, क्या होगा अगर हम x की वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे, इस तरह हमारे पास ग्राफ बनेगा, फिर क्या करेंगे इसके जो पॉइंट होंगे 1, 2, 3 x के x पे रखेंगे, y के y पे मैं नेगेटिव प्लस की तरह रख के, फिर क्या करेंगे उन आपस में पॉइंट को क्या करेंगे जोड़ देंगे, उनको कंबाइन कर देंगे। बाई डेफिनेशन एन डैश बी द ऑन इंटरवल x नॉट x1 की, हमारे पास क्या होगा ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0, मीन के ये ग्रेटर दैन 0 के ग्रेटर दैन होंगे, 0 ग्रेटर दैन, इस तरह ये ग्रेटर दैन क्या होगा 0 होगा। अब क्या है कि कॉट एक्स डिसकंटिन्यू है, कॉट एक्स में से जो कि डिसकंटिन्यू होता है ये हमारे पास होता है साइन एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, अगर हमारा फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कंटिन्यूस कराता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस कराता है और जो डिफरेंशिएबल नहीं होता वो डिसकंटिन्यूस कराता है। टेन 5 माइनस 3x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये करेंगे दिस वन, तो ये हमारे पास इसके इक्वल होगा, पहले तो ये इस तरह आ जाएगा
ये वाला डेरिवेटिव ऑफ विल बी सॉल्व बाई मैथ इम्प्लीसिट से हम क्या करते हैं डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन की जो शेप स्लोप होती है वो हमारे पास जीरो होती है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ये हो कि इसकी स्लोप के आगे जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन जो है कि वो कांस्टेंट मीन की वो चीज़ जो है कि उसके अंदर वो चेंज जो कि चेंज नहीं हो रही होती, मीन वो एक ही जगह कांस्टेंट पे रहती है स्टिल, तो इसलिए वो क्या हो गया। अब हमारे पास जो कि जिस फंक्शन की स्लोप डिक्रीज होती है, डिक्रीज मीन कि अपर से लोअर की तरफ मूव कर, इट्स मीन वो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगी इट्स मीन ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो ये नेगेटिव होगा। अब हमारे पास है कि इक्वेशन लाइन इज़ नाउन बाय, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन कहते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज सेट ऑफ सब सेट, सेट का रेशनल नंबर जो क्या होगा ये हमारे पास इंटीजर नंबर कराता है। ये मैंने आपको प्रीवियस बताया, ये भी हमने अगेन रिपीट हो चुका है, दिस वन भी रिपीट हो चुका है, ये भी रिपीट हो चुका है, तो ये भी हमारे पास रिपीट है, दिस वन भी रिपीट है, ये तमाम अब हमारे पास जो एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।